Hey guys, so how are you? So are you feeling well or you are enjoying the day? Like you have enjoyed the day. Sorry for that. I'm actually so everything is fine, guys? So everything is fine, guys? So guys, तो मौसम कैसा है आज वहाँ का? ठंडा हो रहा है क्या? आपको ठंड लग रही है क्या? वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं पूछना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं यार गाइस, कोई दिक्कत नहीं है. अपन लोग आगे बढ़ते हैं. अपन लोगों को आज करना है लेक्चर नंबर 7 ऑफ मेटलर्जी. यस, तो आज हमारा मेटलर्जी का कंटेंट वर्क तो कम्प्लीट हो जाएगा. कल के दिन जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेसिकली करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर फ्रॉम मेटलर्जी चैप्टर. ठीक है, हम लोग वो करेंगे. एंड इसीलिए आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है हमारा. चलिए, वेलकम टू लेट्स करेक्ट जेई चैनल गाइस. और ज़्यादा बकबक नहीं करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो माय नेम इज कोमल जैन एंड आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम IIT गुवाहाटी. गाइस, मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में IIT गुवाहाटी से. सो बेसिकली आई एम एन IITian एंड आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ IIT गुवाहाटी. As well as I have worked there as an academic initiative team member also. I have done BSc Honours Chemistry from Gargi College, Delhi University. I was second topper in Gargi College. And I have cleared LS exam with 31 all over India rank and JRF all over India 76 rank. So I have cleared these exams with a two digit rank. Yeah. So guys, aap logon ke saath hum hain. क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं? देखते रहिए क्योंकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी. कल हमारा नॉर्मल क्लेचर के ऊपर एक वन शॉट रिवीजन है. तो अगर आपने नॉर्मल क्लेचर नहीं किया है अभी तक, आप पहली बार पढ़ना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक ही दिन में खत्म करें नॉर्मल क्लेचर को, तो बेटा जी कल का जो लेक्चर है जो 1 बजे होने वाला है वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है. ठीक है, एंड अन अकेडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप इंस्टॉल मार सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर. आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अन अकेडमी पे एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं. यूट्यूब तो बेटा अलग चीज होती है, पर अन अकेडमी की ऐप पर जो आपको मजा आएगा ना, क्योंकि वहां पर आपको लाइव इंटरेक्शन मिलती है. इतने सारे एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाते हैं, जो आपको इंडिया में टॉप एडुकेटर्स हैं वो सारे के सारे आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं यहाँ पे. हाय सोनू गुप्ता, क्या बोल रहे हो? साउंड अच्छी नहीं आ रही, एक सेकेंड. ओके, आई गॉट इट. क्यों नहीं साउंड सही आ रही होगी? जस्ट अ सेकेंड बच्चा, जस्ट अ सेकेंड. सो आई थिंक द साउंड विल कम गुड. क्या लगता है, अब साउंड अच्छा आ रहा है बेटा? अब आ रहा है अच्छा साउंड है सोनू? आई थिंक अब साउंड सही आ रहा है. ठीक है, लैग आ रहा है. लैग क्यों आ रहा है यार? एक काम करो बेटा, एक बार बंद करके दोबारा से आ जाओ. रूपल जैन आपसे कह रही हूँ बेटा, एक बार दोबारा से बंद करके चालू करो यूट्यूब को, तब सही आएगा. करके देखो. ठीक है, चलिए. तो मैं आपको बता रही थी थोड़ा सा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बेटा आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है. जितने भी एडुकेटर है सबके सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं. यूट्यूब पे क्या होता है, जो एडुकेटर है वो अलग अलग चैनल्स पे फैले हुए हैं, आपको हर एक चैनल को फॉलो करना पड़ता है. बट अगर आप जाते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर तो एक साथ जो जितने भी अनअकैडमी के एडुकेटर है या फिर मैं बोलूँ टॉप के एडुकेटर है, वो सारे आपको
सेम ऐप पर मिल जाते हैं, सबके लेक्चर्स आपको सेम जगह मिल जाते हैं, आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डेली लाइव क्लासेस मिलती है मंडे टू संडे, 7 days इन अ वीक मिलती है, हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, पर डे होती है, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब आपको जो मजा वहां आएगा ना बेटा क्विज में आंसर करने का, क्योंकि देखो अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ चीट कर सकते हैं, आप अपने साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, मे बी आंसर देख सकते हैं, बट अगर आप लाइव टेस्ट एंड क्विज अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या एक्सपीरियंस आप वहां पे फील करता। स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, आपको डाउट सेशन भी दिए जाएंगे, आपके प्रॉपर डाउट सेशंस होते हैं यहाँ पे, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एसेस मिलती है, मतलब आप किसी भी एडुकेटर का लेक्चर देख सकते हैं, उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो, बिकॉज देखिए आप लेक्चर्स तो किसी का भी देख सकते हैं, और लेक्चर कौन से आप देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आप प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पे करना होता है, दैट इज अ पेड कोर्स। उसमें फर्क क्या होता है स्पेशल क्लास से, स्पेशल क्लास में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती, मतलब यह है कि कोई भी एडुकेटर ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो एक टॉपिक उसने बना दिया फिजिकल का, और अगले दिन वो ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक पढ़ा रहा है आपको, तो देर इज नॉट एनी काइंड ऑफ यू नो कंटिन्यूटी, बहुत कम कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। बट प्लस में क्या है, प्रॉपर जैसे बैच रन होता है ना, वैसे ही वहाँ पे आपको प्रॉपर बैचेस मिलेंगे, प्रॉपर क्लास होगी, प्रॉपर डाउट सेशन होगा, एवरीथिंग प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। तब भी लैग आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, आई डोंट नो, जस्ट अ सेकंड मुझे चेक करने दो आप लोग। मुझे सही आ रही है बेटा, मुझे सही आ रही है आवाज, अभी अभी मैंने चेक किया, आवाज मुझे एकदम सही आ रही है। आई डोंट नो आपको क्यों लैग आ रहा है, बट मेरे को सही आवाज आ रही है। एक बार मैं बंद करके और चालू करके देखती हूँ, आई थिंक तब शायद सही हो जाए, मैं समझ पाऊँ कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। नहीं बेटा मुझे लैग नहीं आ रहा है। देखिए YouTube पे एक तो लैग होता है जो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है, YouTube पे एक लैग होता है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और एक लैग होता है जो क्रिएट होता है, दो लैग्स होते हैं। आई थिंक क्रिएटेड वाला लैग नहीं आ रहा है, जो लैग नॉर्मली एग्जिस्ट करता है YouTube में वही आ रहा है, या वो अगर आता है तो मेरे हिसाब से। ठीक है ओके, चलिए कोई बात नहीं, आइकॉनिक तो बात कर लेते हैं बेटा, प्लस की तो मैंने बता दिया आपको आइकॉनिक में क्या है। आइकॉनिक में थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, पर्सनल कोच जैसे आपको मिल जाता है, जो आपको गाइड करता रहेगा टाइम टाइम पे कि आपको ये करना है या फिर ये करना है, अब आपको इस तरीके से चलना है, इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ये चीजें सजेस्ट करता है। टेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है, मतलब आप कोई टेस्ट दे रहे हैं बेटा तो आप क्या करते हैं, किसी टॉपिक का टेस्ट देते हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग का दे रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ लिया, क्योंकि टेस्ट में नंबर कम है इसीलिए आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग ही वीक है। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट दे रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में नंबर कम आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता कि केमिकल बॉन्डिंग में आपको कुछ भी नहीं आता। आप हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिनमें वीक हो, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कि किस टॉपिक में आप वीक है, किस में कितनी तैयारी आपको चाहिए, ये होता है टेस्ट एनालिसिस, ये आपको प्रॉपर मिलता है। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है, एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है ये आपको सिखाया जाता है, आपके लिए स्टडी प्लानर दिया जाता है, आपका खुद का कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको दिया जाता है, एंड सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो प्लस में जैसे मैंने आपको बता दिया चारों बेनिफिट्स मिलते हैं, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, तो आप खुद सोचिए जरा सारे बेनिफिट्स आपको प्लस में मिलते हैं। आप नॉर्मली किसी भी ऑफलाइन कोर्स की बात कर लीजिए या यहाँ पे अनअकैडमी की बात कर लीजिए, जो कि ऑनलाइन रन होता है, ऑनलाइन कोर्स है आपका, बच्चों को कभी कभार ऐसा लगता है कि ऑनलाइन है तो भरोसे करने लायक नहीं है,
हम ऑफलाइन पर ज्यादा भरोसा करते हैं बेटा, वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है, वर्ल्ड पूरी तरह से डिजिटल होता जा रहा है, सब के सब अब ऑनलाइन वर्क करना चालू कर दिया, और कोरोना का टाइम तो वैसे ही है, बट कोरोना का टाइम हो चाहे ना हो, ऑनलाइन जो चीज है ना वो मिटेगी नहीं अब, क्योंकि वर्ल्ड डिजिटल पे डिजिटल होता जा रहा है। और अगर आप देखें आपकी क्या चीज है जो डिफरेंट है, आप जिन एडुकेटर से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो एडुकेटर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ गया आपको, आप चार सिटीज में जाएं, चारों सिटी के एडुकेटर आपको सेम प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, आपको आना और जाना नहीं पड़ रहा, आपको अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली को छोड़ के पीजी में जिएंगे, लाइफ मजे की होगी, मजे से तैयारी करेंगे, कोई भी यू नो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होंगी, तो आप गलत सोचते हैं बेटा। हम खुद हॉस्टल में रहे हैं, हमें पता होता है कि घर क्या होता है और ना बाहर की लाइफ क्या होती है। बाहर आपको पता लगेगा कि घर के जो सारे काम आपके दूसरे लोग करते हैं वो भी आपको खुद करने पड़ते हैं, एंड दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर यू। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, यहाँ पर आप उन चीजों से भी बच जाते हैं, ठीक है। उन काम जो टाइम आपने बचाया है उसमें आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे सकते हैं। सो आप सोच लीजिए, जो टीचर आपको बाहर मिल रहे हैं वो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, आपका टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि महंगा है बहुत, वो भी नहीं है। आप नॉर्मली ऑफलाइन से कंपेयर कीजिए इसका, तो आपको बहुत ही कम और बहुत ही यू नो रिलायबल रेट में आपको ये चीज़ मिल जाती है। बट हाँ, लेना और ना लेना वो आप ही के ऊपर है। जिस भी एडुकेटर की वजह से आप लेना चाहते हैं उसकी आप स्पेशल क्लास जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि भाई अब मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लीजिए, जरूर लीजिए, थोड़े सीरियस हो जाइए बेटा पढ़ाई के लिए, मैं बस इतना ही कहूंगी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि कैजुअलिटी जितनी करनी थी आपने कर चुके हैं अब अपनी लाइफ में, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है आपका। तो अगर आप 1 ईयर के लिए बेटा ले रहे हैं तो वो आपको पड़ता है 38,500 का। बट येस, यू कैन यूज माई कोड, दैट इज केजन कोड, रेफरल कोड होता है ये आपका, जो कि आपको 10% डिस्काउंट देता है, और आपको 1 ईयर का प्लस का कोर्स आपको मिल जाता है 34,650 का, ठीक है। बट बेटा अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई 2 ईयर्स का ले ले, आपको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, कोई भी एडुकेटर बहुत पसंद आ रहा है, और आप सोच रहे हैं नहीं 2 ईयर का ले लेते हैं, क्योंकि 2 ईयर का अगर हम लेंगे तो आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप पे करते हैं तो वो 3,208 रुपीज़ होते हैं पर मंथ, तीनों सब्जेक्ट के लिए जो आप पे करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों के लिए आप पे करते हैं। बट अगर आप 2 साल का लेते हैं ना तो आपको 2,333 का पड़ता है, मतलब प्राइस में ऑलमोस्ट 1,000 का डिफरेंस आ जाता है पर मंथ में। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों का पड़ता है पर मंथ का, ठीक है, ये आपको पड़ेगा 56,000 का, और आपको प्राइस कम होकर पड़ जाएगा ये 50,400 का व्हेन यू एंटर अ कोड केजेन। याद रखना मेरा कोड है KJAIN, ठीक है, इसको एंटर करने से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, समझ गए मेरी बात को बेटा। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर्स तो जरूर लें आप लोग, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आपको मेहनत को और बढ़ाने की ज़रूरत है, बट हाँ टाइम को कम करने की ज़रूरत है, मतलब जितना टाइम आप किसी एक क्वेश्चन में लगाते हैं ना करने में, उतने आपको कम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, 8 के 8 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 1 ईयर का ये चीज़ पड़ता है आपको 56,000 का, वही केजन कोड अगर आप लगा दें। नहीं आज क्विज नहीं होगा बेटा, एक्चुअली एक दिक्कत चल रही है, एक टेक्निकल इशू चल रहा है मेरा उसमें, जिसमें मैं शेयर करती थी ना, मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर करती थी आपसे, तो उसमें एक टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मैंने कोशिश की थी उसको सही करने की, मुझे पर उसे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको 10% के डिस्काउंट के साथ वो आपको पड़ जाएगा 50,400 का। एंड यस, अगर आप 2 ईयर का लेते हैं ना, अगर आप 2 ईयर का ले रहे हैं, मतलब 24 मंथ्स का ले रहे हैं, तो आपको 86,000 का पड़ता है। अगेन यू विल गेट द सेम थिंग, 77,400 व्हेन यू एंटर द कोड केजेन, ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। केजेन कोड को आपको एंटर करना है, क्लियर है बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बस एक मैसेज करिए मुझे,
कहाँ पर मैसेज करना है? अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप एक मैसेज भेज दीजिए कि मैम मुझे इस टॉपिक में दिक्कत जा रही है, या ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, या ये टॉपिक की मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करना है मुझे, तो आप मुझे ऐसा कुछ मैसेज कीजिए, ठीक है? और उससे रिलेटेड स्पेशल क्लास या यूट्यूब की कोई क्लास हम लोग अरेंज करवा देंगे। अगर कंटेंट में दिक्कत है तो हम यूट्यूब पे क्लास करवाएंगे, अगर आपको यू नो क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत है, प्रैक्टिस करनी है, तो हम लोग स्पेशल क्लासेस अटेंड एक अरेंज करवाएंगे। बट आपको बेटा मैसेज करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लें, डाउट क्लास हो प्रॉपर वगैरह, प्रॉपर हम एक बैच ज्वाइन करें, बहुत हो गया इधर उधर भागना, बहुत हो गया कि इसकी क्लास ले उसकी क्लास ले, समझ नहीं आ रहा, तो आप प्रॉपर बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो हर चीज फ्री में नहीं मिलती। देखिए हर चीज आप सोचे फ्री में मिल जाए वो चीज पॉसिबल नहीं होती, बट हम अगर यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं तो खुद सोचिए प्लस पर क्या कंटेंट मिलता होगा। चलिए अब जो मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जो मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही है, वो चल रही है इन दिनों एमएस चौहान की पूरी सीरीज। मैं आपको कल भी बताया था एमएस चौहान की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग इस वक्त जो सॉल्व कर रहे हैं वो है एल्कीन। हम एल्कीन के सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं हमारी स्पेशल क्लासेस में, जो कि सुबह 8 बजे होती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक होती है, जो हर एक एडुकेटर भले किसी भी मोहल्ले जिले आपकी स्थिति का, या कोटा का, या कानपुर का, या फिर दिल्ली का, मुंबई का, कहीं से भी आप अगर हैं तो बेटा हर एडुकेटर एक ही बुक रेफर करता है, वो है एम एस चौहान की बुक, सॉल्व कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बट कोई कराता नहीं है, तो उसी का जिम्मा उठाया है मैंने। मैंने वही बुक सॉल्व कराने को सोचा है कि वही बुक सॉल्व कराते हैं सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे अगर आपको करना है लेक्चर ज्वाइन तो आप कीजिए, ताकि आपकी एम एस चौहान की बुक तो सॉल्व हो पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक पकड़ आ जाए, एक यू नो आप बहुत ज्यादा अच्छे बन जाओ उसमें, और JEE 2021 के पेपर को फोड़ डालो। चलिए तो इसी के साथ हमारा कहानी तो खत्म हुई और आज का कंटेंट शुरू होता है। कल हमने क्या क्या कर लिया था बात कर लें, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या किया था। एक सेकेंड यार, मैंने लेक्चर 8 देख रही हूँ क्या? हाँ चलिए शुरू करें। कल हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी पढ़ लिया था, जिंक भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, टिन भी पढ़ा दिया था, इसके साथ साथ लेड, गोल्ड, ये सब हमने कर लिया था, मरकरी भी हमने पढ़ा था, ठीक है? आज हमें शुरू करना था एल्यूमिनियम से। आज हम लोग बेटे करेंगे एल्यूमिनियम की करेंगे, कॉपर की करेंगे एंड आयरन की करेंगे। इन तीनों की हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हम लोग आज एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। चलिए बेटा तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मतलब हम एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से उसको प्योर करेंगे, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। देखिए बेटा ये देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज के एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, पहला स्टेप होता है ओर को सिलेक्ट करना। आप कौन सी ओर ऐसी चूज करेंगे जिसमें एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में, मतलब कि ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, और उसमें से आप एल्यूमिनियम को इकोनॉमिकली, मतलब कि कन्वीनियंटली, या फिर मैं बोलूँ कम पैसे लगाकर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको वो और सिलेक्ट करनी है। वो और कौन सी होती है जो हम एल्यूमिनियम के लिए सिलेक्ट करते हैं? वो होती है बॉक्साइट और। कौन सी? बॉक्साइट और, ठीक है? बॉक्साइट, जैसे बॉक्सिंग होती है ना, वैसे ही क्या है, बॉक्साइट और होता है आपका। बॉक्साइट और का फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दो आप इसमें, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के एज अ हाइड्रेशन लगा दो, तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है आपका, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आपका यूज होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ, हमने एल्यूमिनियम की ओर ले ली है, अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, मतलब उस ओर का एनरिचमेंट करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, मतलब इम्प्योरिटी को अलग करना है। क्या करना है बेटा? इम्प्योरिटी को अलग करना है।
अगर मुझे इम्प्योरिटी को अलग करना है, और में जो प्रेजेंट इम्प्योरिटी है उसको अलग करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी कौन सी है आपकी, तभी तो उसके बेसिस में मैं मेथड लगा सकती हूँ ना, तभी तो मैं परफॉर्म करूंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन का स्टेप डिपेंड ही करता है आपका कौन सा मेटल है और कौन सी इम्प्योरिटीज है। तो यहाँ पर हमारा ये मेथड डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज पे। एल्यूमिनियम की बॉक्साइट और के अंदर आपकी दो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, एक तो आयरन ऑक्साइड होता है और दूसरा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये दो इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, इनको प्योरीफाई करने के लिए हम कुल मिला के तीन स्टेप से हम प्योर कर सकते हैं। कौन कौन से? तीन प्रोसेस कर सकते हैं। पहला है बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, दूसरा है हॉल्स प्रोसेस, तीसरा है सरपैक प्रोसेस। ठीक है, सरपैक प्रोसेस। तो आप ऐसे भी आज कर सकते हैं, जैसे बेवड़ा, बेयर से हो गया बेवड़ा, ठीक है, हॉल में बेवड़े ने हॉल में पी और सर पे चढ़ गई, बेवड़े ने हॉल में पी और सर पे चढ़ गई। हॉल मतलब कि जो हॉल, घर के अंदर जो बड़ा वाला हॉल होता है ना, हॉल के अंदर बैठ के पी और सर पे उसके चढ़ गई। तो इस तरीके से आप तीनों स्टेप को याद कर सकते हैं। ये इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक कि आप ये मेथड कैसे याद रखेंगे। पहला आ जाते हैं बेयर्स प्रोसेस में। बेयर्स प्रोसेस में किस तरीके से आपकी इम्प्योरिटी को हटाया जाता है? देखिए, बेयर्स प्रोसेस उसी के लिए परफॉर्म की जाती है, उसी ओर के लिए परफॉर्म की जाती है जिसमें केवल आयरन ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी मौजूद होता है। जैसे कि आपका बॉक्साइट में, बॉक्साइट ओर में भी क्या है आपका? आयरन ऑक्साइड है एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर हम ये बेयर्स प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर FeO क्या है, एज एन इम्प्योरिटी मौजूद है। चलिए करते क्या है हम इसमें, आप अपना बॉक्साइट ओर ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए जरा, देखिए बेटा, जो बॉक्साइट की ओर है ये आपको दिख रहा है कि इट इज अ हाइड्रेटेड ओर, इट इज अ हाइड्रेटेड ओर, क्लियर है। और जो भी स्टेप्स हमने पढ़े थे, जो भी स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे, उनमें मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप ओर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसके उसकी क्रश करेंगे, देन उसे क्या करेंगे आप, उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड स्टेप था आपका, थर्ड था ऑक्सीडेशन, फोर्थ था रिडक्शन एंड फिफ्थ था रिफाइनिंग। यही पांच स्टेप करने थे हमको। और कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। उसमें से पहले आ जाते हैं हम लोग बॉक्साइट, सॉरी बेयर्स प्रोसेस पे। बेयर्स प्रोसेस में हमने क्या किया, बॉक्साइड ओर को रोस्ट किया, मतलब हमने क्या किया, बॉक्साइड ओर को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा आपका, जब हम बॉक्साइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं ना, तो एक्चुअल में बॉक्साइड ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी जो कि FeO है, वो आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है Fe2O3 में, ठीक है। किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है? Fe2O3 में आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्लियर है। उसके बाद हम बेयर्स प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, आपका जो बेटा ओर है, जो आपका ओर है उसके अंदर हम डालते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा हम लोग बोलते हैं इसको। क्या होता है आपका, देखो बॉक्साइड ओर हो गया, बॉक्साइड ओर के अंदर आपने क्या डाला, एक बेस डाल दिया, NaOH डाल दिया और इसको हीट कर दिया एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर। होगा क्या, आपको पता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड कैसी होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। इट कैन रिएक्ट विद एन एसिड विद एन और विद अ बेस, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद द बेस, ये NaOH के साथ रिएक्ट करती है, क्या बना लेती है, सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम एल्यूमिनेट एक्चुअली में क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि आप अगर सोडियम एल्यूमिनेट ले और उसे पानी में डाल दें, मतलब कि पानी का अमाउंट अगर आप बढ़ा दें, तो इट विल फॉर्म द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए सोडियम एल्यूमिनेट तो सॉल्युबल होता है, बट जैसे आप इसमें पानी का अमाउंट बढ़ा देंगे ना, तो ये आपको फॉर्म कर लेता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट होता है, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है, NaOH। मतलब NaOH आपने पहले यूज किया और वो वही बाद में ही क्या हो गया, जाके रीजनरेट भी हो गया, तो आप इसको दोबारा से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका बेस प्रोसेस जिसमें हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंच गए, इतना हमने बना लिया है। अब हम देखते हैं बाकी सारी प्रोसेस, उनमें क्या था।
देखिए अब आ जाते हैं हॉल्स प्रोसेस पे। सेकंड जो आपका था वो था हॉल्स प्रोसेस, ठीक है। हॉल्स प्रोसेस में बेटा अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग हॉल्स प्रोसेस को भी FeO की इम्प्योरिटी के लिए ही, इम्प्योरिटी के लिए ही यूज करते हैं। मतलब बेयर्स प्रोसेस भी सेम इम्प्योरिटी के लिए था और हॉल्स प्रोसेस भी क्या है, सेम इम्प्योरिटी के लिए ही है और प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। प्रोसेस भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है, बेयर्स प्रोसेस में अपन लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे, हॉल्स प्रोसेस में अपन लोग सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे। वहां NaOH था, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। बनेगा सेम चीज ही बनेगी, वहां पे भी हमारा सोडियम एलिमिनेट बन रहा था, यहाँ पर भी सोडियम एलिमिनेट बनेगा। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप, ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर दे, CO2 और मतलब और सर्कुलेट कर दे और इसके अंदर डाल दे, तो ये क्या बना लेता है आपका, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और सोडियम कार्बोनेट आपका रीजनरेट हो जाता है। इसको आप फर्दर से क्या कर सकते हो, ऊपर वाले स्टेप में यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि पहला जो प्रोसेस है, जो बेयर्स प्रोसेस था, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, जो हॉल्स प्रोसेस है उसके अंदर भी क्या हो रहा है आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और जो रिएजेंट आपने यूज किया था NaOH, वहां पे यूज किया था, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं, वापस से आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं। अब आ जाते हैं थर्ड प्रोसेस पे, जो सरपेक प्रोसेस है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। मतलब दो प्रोसेस तो ऐसी थी जो FeO के लिए यूज हो रही थी, और जो सरपेक प्रोसेस है वो किसके लिए यूज हो रही है, SiO2 की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। करते क्या है हम इसके अंदर, हम इसके अंदर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो है उसके अंदर कार्बन डालते हैं और नाइट्रोजन डालते हैं, तो क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड में जैसे हम पानी मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सेम ही चीज है आपकी, हर किसी में एक ही चीज बन रही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और जैसे ही आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे ना 1500 डिग्री सेल्सियस पे, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। देखिए शुरू हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ही किया है, बनाया भी हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक्चुअली में ओर है, और वो क्या है, इम्प्योर ओर है, जबकि जो यहाँ पे Al2O3 बन रहा है वो प्योर ओर है, ये प्योर है, आप ये क्या है, प्योर है। इसको अपन लोग ये, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं अटैच ना, इसलिए हम बोलेंगे इसको एनहाइड्रस एल्यूमिना, एनहाइड्रस एल्यूमिना हम इसको बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखिए हमने क्या क्या कर लिया अब तक, हमने हमने अपने हमने कॉन्सेंट्रेशन का स्टेप कर लिया, इम्प्योरिटी जो होती है FeO था, SiO2 था, उन दोनों को रिमूव करवा लिया, ठीक है। उसके बाद उन सारी प्रोसेस में जो भी हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसका ऑक्सीडेशन करा लिया, कैल्सिनेशन करके उसको Al2O3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्सीडेशन के बाद हमारा होता है रिडक्शन का स्टेप। अब एल्यूमिनियम बेटा क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो उसके लिए हम लोग रिडक्शन की कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलिटिक टेक्निक है तो उसमें हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड क्या है और एनोड क्या है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन क्रायोलाइट एंड फेल्सपार। हम सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं लेते, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ क्रायोलाइट भी लेते हैं एंड फेल्सपार भी लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका भी रीजन समझेंगे, बट पहले देख लो कि कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। यहाँ पे कैथोड होता है आपका कार्बन की लाइनिंग, हम सिर्फ नॉर्मली कार्बन की लाइनिंग बना लेते हैं अपने जिस भी कंटेनर में हम ये चीज़ कर रहे हैं ना, उसमें जो कार्बन की लाइनिंग हम बना रहे हैं वही आपका क्या हो रहा है, कैथोड की तरह यूज हो रहा है। और एनोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट रोड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बेटा Al2O3 का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, तो आपको क्या बन जाता है, Al और O2 आपका रिलीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम यहाँ पे बनेगा, जो रिडक्शन प्रोसेस से आपको एल्यूमिनियम मिलेगा,
वो 99.8% प्योर होता है, मतलब इसमें 0.2% अभी भी इम्प्योरिटीज मौजूद है जिसे हम रिफाइनिंग में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन ये था कि भाई हमने इलेक्ट्रोलाइट तो लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी, सॉरी एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, बट क्यों हम उसके अंदर क्रायोलाइट एंड फेल्सपार हम लोग ऐड कर रहे हैं? व्हाई इज इट सो, कि क्यों हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ी, क्यों नहीं हम इसके इसके बिना हम अपना यू नो इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर लेते हैं? रीजन बिहाइंड इट इज कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है बेटा वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूँ ना, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और मैं तो कराई इलेक्ट्रोलिसिस की टेक्निक रही हूँ, तो जो हम मिक्स करेंगे ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स कर देते हैं तो ये जो फ्यूज हो जाते हैं ना आपस में, देखो आपस में सबको मोल्टन स्टेट में ले लोगे तो क्या हो जाएंगे, सब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी। तो जो फ्यूज मिक्सचर होता है ना वो आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो पहला तो ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दूसरा रीजन होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो एल्यूमिनियम मेटल से भी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो भी आपका मेटल फॉर्म होगा, जो भी आपका मेटल फॉर्म होगा, मतलब जो भी एल्यूमिनियम फॉर्म होगा, वो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 2000 डिग्री सेल्सियस है, और जब और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, कम होता है, तो जो भी एल्यूमिनियम आपका बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाने से, वो एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो मोल्टन फॉर्म में आ गया ना तो बाकी जो अदर चीज़ है वो उनके साथ मिक्स हो जाएगा। मुझे चाहिए कि वो सॉलिड फॉर्म में ही बने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1800 से कम करना पड़ेगा। ठीक है, 1800 से कम करना पड़ेगा। और ये काम हमारा कौन परफॉर्म करता है? क्रायोलाइट एंड फेल्सपार। जब आप इन्हें मिक्स कर देंगे ना तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। कितना घट रहा है देखो, 900, मतलब पहले कितना था 2000, अब कितना हो गया 900, कितना डिक्रीज हो गया है। स्टेप्स देख लो, ये देखो हमारा Al2O3 था, कैल्शियम फ्लोराइड था और क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट को अगर आप ध्यान से देखें ना, इसमें सोडियम फ्लोराइड है और AlF3 है, ठीक है, AlF3 और सोडियम फ्लोराइड, ये दोनों ही है इसमें। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड क्या करता है, क्रायोलाइट में से पहले एल्यूमिनियम 3+ देगा और आपको 3F- देगा। ये ही एल्यूमिनियम क्या करता है आपका, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना लेता है आपका, एल्यूमिनियम बना लेता है एट कैथोड, कैथोड पर ये चीज़ बन जाती है। क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, F2 में कन्वर्ट होता है और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। यही 3 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कौन कर रहा होता है बेटा, एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर रहा होता है। हाय शिदो, ठीक है, देखिए बेटा अब लिबरेटेड जो फ्लोरीन है ना, जो आपकी फ्लोरीन बनी है AlF3 से, जो फ्लोरीन आपकी बनी है ना वो रिएक्ट करती है किसके साथ, Al2O3 के साथ। ठीक है, किसके साथ, F2 किसके साथ रिएक्ट करती है, Al2O3 के साथ। जब आपकी रिएक्ट कर लेगी ना तो ये अगेन AlF3 बना लेती है, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो जाती है। ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, कार्बन लाइनिंग के साथ, जिस कार्बन लाइनिंग को आपने किसकी तरह यूज किया था, एज अ कैथोड यूज किया था। ठीक है, उसी कार्बन लाइनिंग के साथ क्या करती है, ये अटैक कर लेती है ऑक्सीजन और क्या बना लेती है, कार्बन ऑक्साइड बना के देन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाती है। तो देखिए AlF3 बन रहा था, ठीक है, उसमें से Al3+ बना, मतलब कि यहाँ से आपको एल्यूमिनियम मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया, फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो फ्लोराइड क्या करता है, F2 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट फर्दर रिएक्ट विद Al2O3, जो आपका ओर था बेटा उसके साथ रिएक्ट करेगा, जो प्योर ओर था उसके साथ रिएक्ट करेगा, वापस से आपको AlF3 मिलेगा और ये वापस इधर जाके क्या करेगा, Al3+ और 3-, ऐसे आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, चलती रहेगी। जितने भी फ्लोरीन है ना वो बार 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 यूज होते रहेंगे, और जितना भी एल्यूमिनियम होगा उसको क्या कर देगा, जितना भी एल्यूमिनियम 3+ की फॉर्म में होगा उन सबको Al में कन्वर्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और फ्लोरीन खत्म होएगा ही नहीं।
क्योंकि जब भी आपका फ्लोरीन यहाँ पे बनेगा F2 में ऑक्सीडाइज होगा, वापस Al3 बन जाएगा। और ये प्रोसेस तब कब तक होगी? ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक कि सारा का सारा Al2O3 जो होता है वो Al में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये, सारा Al2O3 क्योंकि एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि प्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होगी इसकी। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो आपका F2 Al2O3 के साथ रिएक्ट करके AlF3 बना रहा है, बट यहाँ पर तो AlF3 के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, वो एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑक्सीजन भी तो AlF3 के साथ रिएक्ट करके Al2O3 वापस बना सकता था, ऐसा क्यों हो रहा है कि AlF3 ही बन रहा है, AlF3 वापस ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है Al2O3? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो ऑक्सीजन बेटा बन रहा है ना, वो कार्बन लाइनिंग के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, अल्टीमेटली आपको CO2 दे रहा है। CO2 आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो सिस्टम में से। दैट्स व्हाई, क्लियर है? तो O2 रिएक्ट कर नहीं सकता क्योंकि O2 कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बचा हुआ AlF3 क्या हो रहा है, वो बार 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 रिसर्कुलेट हो रहा है। हाँ, करा दिया मैंने वो चीज। नेक्स्ट आ जाओ, बॉय होप्स मेथड। अब हमने एल्यूमिनियम तो बेटा बना लिया है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हो, तो वो जो इम्प्योरिटीज आपकी रह गई है उनके लिए अपन लोग कर रहे हैं रिफाइन। एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए आप क्या करते हैं, होप्स प्रोसेस यूज करते हैं। मतलब आपकी आशा रहती है कि भाई अगर हमारी आशाओं पे चलते रहे और एल्यूमिनियम प्योर हो गया, तो काइंड ऑफ यार ऐसे ही समझो यार, बहुत बहुत ज़्यादा नाम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, नए नए नाम मिलेंगे। होप्स प्रोसेस में क्या होती है, तीन लेयर होती है। तीन लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट की लेयर होती है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ये तीनों ही क्या होते हैं, लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, मोल्टन फॉर्म में होते हैं। और मोल्टन फॉर्म क्या करती है, आपकी तीन लेयर फॉर्म करती है। जो आपकी बीच की लेयर होती है उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, जो सबसे ऊपर जो होता है उसमें आपका प्योर एल्यूमिनियम मौजूद होता है, और जो एनोड होता है उसमें क्या होता है आपका लोअर सॉरी जो आपका एनोड होता है वो सबसे नीचे होता है, लोअर लेयर में होता है। नहीं बेटा, आज क्विज नहीं होगा क्योंकि मेरे एक टेक्निकल इशू आ रहा है उसमें, मतलब जो सी मैं शेयर करती थी ना मोबाइल का, वो उसमें टेक्निकल एक इशू आ रहा है। मेरे लैपटॉप का जो ऐप है जिससे मैं शेयर करती थी आपको मोबाइल की स्क्रीन, उसमें टेक्निकल इशू आ रहा है उस ऐप में, तो मुझे वो ऐप अनइंस्टॉल मार के दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो बेटा ये चीज ध्यान रखें कि होप्स प्रोसेस में तीन लेयर आपकी यूज होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो मिडल लेयर बनाता है, कैथोड जो होता है वो टॉप मोस्ट लेयर अपर लेयर बनाता है, एंड जो एनोड होता है वो मिडल लेयर लोअर लेयर बनाता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, NaAlF6। बोले ये तो क्रायोलाइट ही है, NaF4AlF3 मिलके क्या बनाते हैं, क्रायोलाइट ही बनाते हैं, और साथ में हम बेरियम फ्लोराइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जहां पे हमारा इम्प्योर एल्यूमिनियम यूज होता है ना, उसके आसपास हम लाइनिंग करते हैं। किसके साथ, किसकी लाइनिंग करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम एंड सिल्वर की, सॉरी सिलिकॉन की। ठीक है, इसके हम लाइनिंग करते हैं। देखिए जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे ना, तो क्या होगा, जो यहां पर इस वाली लेयर के अंदर जो एल्यूमिनियम मौजूद है, ये ना जो ये मिडल लेयर है बेटा, इसके अंदर एल्यूमिनियम मौजूद है ना, ये एल्यूमिनियम जाके क्या करेगा, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब प्योर एल्यूमिनियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मिडल लेयर में एल्यूमिनियम कम हो गया, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसकी पूर्ति करेगा ये इम्प्योर एल्यूमिनियम। इम्प्योर एल्यूमिनियम क्या करेगा, लोअर लेयर से मिडल लेयर में जाएगा, मिडल लेयर से एल्यूमिनियम क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा और प्योर एल्यूमिनियम बना लेगा इन केस ऑफ कैथोड। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम द मिडल लेयर। मिडल लेयर मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट में से जाएगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड में, एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज टेकन अप बाय द मिडल लेयर फ्रॉम द बॉटम लेयर।
लोअर वाली में से इम्प्योर एल्यूमिनियम था, ठीक है, यहां से जो एल्यूमिनियम था वो गया मिडल लेयर में, ठीक है। मिडल लेयर में जैसे ही एल्यूमिनियम गया तो AlF3 में जो एल्यूमिनियम है ना वो आपका कन्वर्ट हो गया प्योर एल्यूमिनियम, मतलब Al+3 में था ना AlF3 में, तो आपका Al में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ग्रेफाइट रोड क्यों यूज किया? हम ग्रेफाइट रोड क्यों यूज करते हैं? ग्रेफाइट रोड को हम लोग डिप करके रखते हैं प्योर एल्यूमिनियम एंड कॉपर एल्यूमिनियम एलॉय में। प्योर एल्यूमिनियम कहाँ बन रहा है आपका? यहाँ पे अपर लेयर में, इसके अंदर हम डिप करके रखते हैं। क्यों डिप करके रखते हैं? ताकि हमारा इम्प्योर और क्या करे। देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेफाइट रोड डिप इन प्योर एल्यूमिनियम एंड कॉपर एल्यूमिनियम रोड एट द बॉटम इन द इम्प्योर एल्यूमिनियम वर्क एज कंडक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो प्योर एल्यूमिनियम होगा वो कितना बन जाएगा? 99.98% प्योर। कितना आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलता है? मुझे प्यास बहुत लग रही है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड बेटा, मुझे प्यास बहुत लग रही है। ठीक है, तो हमारा एल्यूमिनियम का तो खत्म हो गया है। अब हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देखिए बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर अगर मुझे करना है तो मैं क्या सबसे पहले क्या करूंगी, ओर को सिलेक्ट करूंगी कि भाई कौन कौन सी ओर है जिसमें से मैं कॉपर को निकाल सकूं। कौन कौन सी है? चैल्कोपायराइट, जिसे हम कॉपर पायराइट्स भी बोलते हैं, चाल्कोसाइट जिसे हम कॉपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, बोरमाइट या क्यूपराइट, इन चारों में से आप कोई भी और सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, कॉपर ग्लैंड्स का फॉर्मूला होता है Cu2S, बोरमाइट का फॉर्मूला होता है Cu3FeS3 एंड क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है आपका Cu2O। और याद रखिए Cu2 हो जाता है, मतलब कि क्यूपरस ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, रेड कलर का होता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब कॉपर की एक्सट्रैक्शन करने के लिए कैसे कैसे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पहला तो यह है कि हम सल्फाइड ओर चूज कर लें, मतलब जहां पर आपका कॉपर सल्फर के साथ कंबाइंड है ना, कंबाइंड फॉर्म में, वहां से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लें। दूसरा तरीका क्या है, नॉन सल्फाइड ओर, मतलब कि जो और आपके सल्फाइड और नहीं है, जिसमें कॉपर आपका सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करें। तो दोनों में से ही हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सल्फाइड और में किस तरीके से करेंगे? सल्फाइड और में आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन का मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, फ्लोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। और सल्फाइड और के लिए कौन सी और को हम लोग चूज करते हैं? हम लोग चूज करते हैं कॉपर पायराइट को, या फिर कॉपर ग्लैंड को भी चूज करते हैं, बट पहले हम कॉपर पायराइट का सीख रहे हैं। क्या लिखा है मैंने ऊपर, फ्रॉम सल्फाइड और। सल्फाइड और ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। पहले मैं इसमें से निकालना सिखा रही हूँ, फिर इसमें से सिखाऊंगी। ठीक है, तो CuFeS2 में से सीख रहा है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन मेथड कौन सा होगा बेटा? फ्लोथ फ्लोटेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सल्फर के साथ कंबाइंड है आपका। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन करवा दिया हमने, इम्प्योरिटीज अलग कर दी है ओर में से थोड़ी सी। अब इसके बाद क्या होता है, स्टेप ऑक्सीडेशन का। सल्फाइड ओर के लिए क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग करना पड़ता है। किसमें होता है? रिवर्बेटरी फर्नेस में ही होता है आपका रोस्टिंग। इस दौरान क्या होता है, जो भी फ्री सल्फर मौजूद होगा, जो भी हमारे सल्फाइड ओर के अंदर फ्री सल्फर मौजूद होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एज एन Sa2 उड़ जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज होंगी रोस्टिंग में, क्या होती है, इम्प्योरिटीज का भी स्वाहा हो जाता है। तो इम्प्योरिटीज जैसे आपकी आर्सेनिक हो गई,
एंटीमनी हो गई, ये भी अपनी ऑक्साइड बनाएंगे, और कैसी ऑक्साइड होती है, वॉलेटाइल ऑक्साइड होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हमारा जो ओर था वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो तो प्योर हो गया है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर का सल्फाइड बना लेगा, मतलब क्यूपरस सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड बनाएगा फेरस सल्फाइड, एंड SO2 आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि कॉपर एंड आयरन का ऑक्साइड नहीं बना, बनना क्या चाहिए था बेटा, ऑक्साइड बनना चाहिए था, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो बनना तो कॉपर और आयरन का क्या चाहिए था, ऑक्साइड बनना चाहिए था, बट बन किसका रहा है, सिर्फ और सिर्फ सल्फर का, सिर्फ और सिर्फ सल्फर का, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं आपके और आपने ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ले रखी है, तो आपका क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। मान लो अगर आपने ऑक्सीजन बढ़ा दी, यहाँ पे ज्यादा मात्रा कर दी, जितना आपका CuFeS2 नहीं है उससे ज्यादा आप O2 लेंगे, तो क्या होगा, O2 की मात्रा इतनी अधिक होगी कि इन दोनों का कंपटीशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये कहेगा, कॉपर कहेगा कि नहीं मैं ऑक्सीजन के पास जाऊंगा, आयरन कहेगा नहीं भाई मैं ऑक्सीजन के पास जाऊंगा। कौन आयरन कौन जाता है ये कैसे पता लगेगा, ये देखिए FeS अगर ऑक्सीजन के साथ एक करेगा तो FeO बनाएगा, कॉपर सल्फाइड जो होता है वो अगर ऑक्सीजन के साथ एक करेगा तो क्यूपरस ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में, क्या कंपटीशन चल रहा है। अब आयरन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कॉपर से, तो ये इजिली आपको क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। देखिए बोलिए, आया नहीं समझ में, आया आगे है ना। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसी फ्री सल्फर जैसी इंप्योरिटीज मौजूद होती है, तब हम उस केस में करवाते हैं स्मेल्टिंग की प्रोसेस। स्मेल्टिंग में अपन लोग क्या क्या करते हैं, एक तो रोस्टेड ओर जो ऑक्सीडाइज्ड ओर है वो, प्लस सिलिका और साथ में कोक, ये सब चीजें हम ऐड कर देते हैं। FeS क्या करता है, क्यूपरस ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या देगा आपको, FeO देगा, होना भी चाहिए क्योंकि Fe का मोर होता है यू नो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, FeO प्लस क्यूपरस सल्फाइड। अब FeS जो होता है वो सिर्फ क्यूपरस ऑक्साइड के साथ ही FeO नहीं बनाता, ऑक्सीजन भी होगा ना प्रेजेंट तो भी आपका FeO बना लेता है, और बाद में क्या होता है, ये FeO और SiO2 जो आपने ऐड किया है उसे मिला के आपका एक स्लैग बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं फेरस सिलिकेट, ठीक है। तो यहां तक की बात जो है ना, जिसमें आपका FeS फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड दोनों के दोनों अनरिएक्टेड बच जाए तो उसे हम बोलते हैं मट्टी, जैसे मट्टी होती है ना आप, उसे बोलते हैं मट्टी। ठीक है, नेक्स्ट करें बात। चलिए यहाँ तक हमें क्या क्या समझ में आ गया है, यहाँ तक हमें ये चीज समझ में आ गई है कि अगर मैं फेरस सल्फाइड और क्यूपरस ऑक्साइड ले लूँ तो हमारा ये टिक नहीं सकता, इसका मिक्सचर जो है वो टिक नहीं सकता। क्यों नहीं टिक सकता, क्योंकि फेरस सल्फाइड क्या करेगा, क्यूपरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन लेके खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्यूपरस ऑक्साइड को क्या बनवा देगा, क्यूपरस का सल्फाइड बनवा देगा, क्योंकि Fe इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन कॉपर, सो इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब मान लो कि सारा क्यूपरस ऑक्साइड यूज हो गया है, तब आपका जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना उस रिएक्शन मिक्सचर में, उसके साथ भी FeS रिएक्ट कर सकता है, और क्या देगा वो आपको ऑक्साइड दे देगा, और ये ऑक्साइड जो होता है वो आपका कंबाइन करता है SiO2 के साथ, और क्या देता है भाई FeSiO3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि मेरा बना क्या था, अभी तक क्या बना था हमारा, सोचिए जरा आप, हमारा क्यूपरस सल्फाइड ने FeS बन रहा था, उसमें से मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि Fe आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर से, तो अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Fe का होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यहां तक जो भी आपका यू नो
अगर आयरन सल्फाइड कुछ बच रहा है जिसने रिएक्ट नहीं किया है, क्यूपर सल्फाइड अगर बचा जिसने रिएक्ट नहीं करा, तो हम उसको बोलते हैं मट्टे। बहुत बार आ चुका है जेई में क्वेश्चन कि मट्टे किसे बोला जाता है, FeS प्लस क्यूपर सल्फाइड के मिश्र को बोला जाता है। जब ऐसी चीज बच जाती है आपकी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मतलब जो चीज बच गई है, जिसका ऑक्सीडेशन करना था बच गई है, नहीं हो पाया ऑक्सीडेशन, तो हम उसके लिए करते हैं बेसिमराइजेशन की प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मट्टे प्लस सिलिका ले लेते हैं। देखो FeS ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन बनाने के बाद सिलिका के साथ कंबाइन होकर क्या दिया, FeI SiO3। ठीक है, क्या हमें पता है कि आयरन ऑक्साइड क्या है, आपका बेसिक है, आयरन क्या है आपका मेटल है, उसकी ऑक्साइड है। मुझे ये बनानी तो थी ही, साथ में अलग भी करनी थी। क्यों नहीं, क्यों अलग करनी थी, क्योंकि इंटरफेयर करती मेरी कॉपर की एक्सट्रक्शन के अंदर, इसलिए मुझे ये हटानी भी थी। कैसे हटाऊंगी मैं, स्लैग बना के। ठीक है, अब FeO प्रेजेंट ही नहीं है आपका, तो क्यूप्रस सल्फाइड से आपका कौन कंपटीशन करेगा, कोई भी नहीं। तो क्यूप्रस सल्फाइड आपका क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका ये क्रॉस ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, और इसी क्यूप्रस ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, कॉपर में। अब आ जाते हैं रिफाइनिंग टेक्निक पे। अगर आपको कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो दो तरीके हैं जिसे आप कर सकते हैं, एक है पॉलिंग और दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। पॉलिंग की प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो भी इम्प्योर मेटल होगा उसे हम मेल्ट करेंगे इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस लाइन विद सिलिका। सिलिका के साथ जो लाइन की हुई है आपकी रिवर्बरेटरी फर्नेस, उसमें हम हीट करेंगे। तो जैसे आप हीट करोगे ना, तो कॉपर जो होगा वर्तमानिक एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की हेल्प से कॉपर का अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा, जो कि क्या करेगा, आपको लग रहा है कि आंखें बहुत बंद हो रही है, आज मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींच पाऊंगी बेटा, एक ही घंटे का लेक्चर करूंगी, क्योंकि तबीयत इतनी बेटर नहीं लग रही है कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। मतलब आयरन की एक्सट्रक्शन आपकी कल ही होगी, कॉपर पे ही एंड करूँगी मैं आज, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी कि मैं आगे पढ़ा पाऊँ आपको, मतलब कि आज की क्लास में आगे ज़्यादा पढ़ा पाऊँ। सिर्फ कॉपर की हम एक्सट्रक्शन करेंगे कम्प्लीट। तो देखिए, कॉपर में हम लोग क्या करते हैं, पोलिंग की प्रोसेस करवाते हैं। पॉलिंग का हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की थी, जो हमने रिफाइनिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो भी मेटल के अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटी है जो आपकी ऑक्सीडाइज हो सकती है इजिली, जो क्या हो सकती है आपकी ऑक्सीडाइज हो सकती है इजिली, और ऑक्सीडाइज होने पर बाकी अदर इम्प्योरिटीज को क्या करे, ऑक्सीडाइज करते। मतलब वो पहले तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रही है, बट एट अ टाइम या ऑन लेटर ऑन क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती रहती है, जिससे कि बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया, एक पार्ट है कॉपर का, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में। ठीक है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करता है, मेल्ट को डिजोल्व, मेल्ट में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है कॉपर का जो मेल्ट है ना, उसमें डिजोल्व हो जाता है। और क्या सप्लाई करता है, O2 सप्लाई करता है। देखो क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, O2 सप्लाई करता है टू द मोर बेसिक एलिमेंट कंबाइंड इन देन एज अ इम्प्योरिटी। तो ऑक्सीजन देगा तभी तो बाकी अदर इम्प्योरिटीज बाहर निकलेंगे ना आपकी। अब दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में वही है आपका, सेम है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। एनोड क्या होता है, इम्प्योर कॉपर प्लेट, कैथोड प्योर होता है प्योर कॉपर प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट अगर आपने लिया है बेटा, तो वो आपको ब्रेक होता है कॉपर 2% सल्फेट 2-। अगर आप रिडक्शन करवा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं कॉपर 2+ और सल्फेट 2- की रिडक्शन करवा दूं मैं, रिडक्शन ही सॉरी रिएक्शन, गलती से गलत निकल गया मुंह से, मेरी टंग ट्विस्ट हो गई। रिएक्शन देखिए, इन दोनों, ये दोनों बनेंगे, बोलिए बनेंगे नहीं बनेंगे भाई। आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा, कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2- आयन देगा नहीं देगा। ठीक है, ये आयन दे दी आपकी, अब ये दोनों आयन क्या करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे।
ये कहाँ जाएगी, कैथोड पे जाएगी, कैथोड होने पर क्या होगा, कॉपर टू प्लस रिड्यूस हो जाएगा कॉपर के अंदर, ठीक है। अब देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर मेटल का बना, कॉपर से बना हुआ है, तो यहाँ पर एनोड क्या करेगा आपका, कॉपर टू प्लस के अंदर ऑक्सीडाइज होगा, जो इम्प्योर कॉपर है ना उसके अंदर जो कॉपर प्रेजेंट है, जो कॉपर प्रेजेंट है वो एक्चुअल में क्या होगा, कॉपर टू प्लस बनाएगा। कॉपर सल्फेट में चेक कर सकते हो कि कॉपर टू प्लस में, तो कॉपर कॉपर टू प्लस बनाएगा अगर हम बात करेंगे एनोड की, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर विल ऑक्सीडाइज इनटू द कॉपर प्लस टू, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है, मान लीजिए आपने बेटा फर्स्ट वाली जो मैंने आपको बताया ना सी यू एफ ई एस टू वो वाली और सिलेक्ट नहीं किया, आपने सी यू टू एस सिलेक्ट किया, तो ये भी सल्फाइड के साथ कंबाइन है, तो कंसंट्रेशन मेथड तो फ्लो ऑफ फ्लोटेशन ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप वेट प्रोसेस या फिर हाइड्रोमेटलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या लेते हैं और लेते हैं, उसको एक सॉल्युबल कंपाउंड में बनाते हैं, और सॉल्युबल कंपाउंड में से आयरन को सॉरी मेटल को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, मेटल इजिली निकाल सकता है, ठीक है। हमने कैसे करा है इसको, हमने सिर्फ कॉपर सल्फाइड ये हमने और ली, इसमें ऑक्सीजन डाला तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड भी बना लेगा साथ में, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट जो बना है वो आयरन के साथ इजिली रिएक्ट कर सकता है, और क्या देगा आपको, कॉपर दे देगा, मतलब अल्टीमेटली आपका कॉपर तो बना ही बन ही गया। रिफाइनिंग आपका सेम तरीके से होगा, आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे जैसे आपने पहले की थी, ये जैसे किया ना वैसे ही आपकी रिफाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। तीसरा आता है फॉर नॉन सल्फाइड ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स, मान लीजिए आप ऐसी ऐसी ओर सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि जिसमें आपका जो यू नो आपका जो मेटल है वो सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है, कार्बोनेट के साथ है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मेथड कौन सा यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आप यूज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये कार्बोनेट हो रहा है या ऑक्साइड हो रहा है तो इसके लिए रोस्टिंग करने की तो जरूरत ही नहीं है, आप कैल्सिनेशन से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन होंगे फिर रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन करने के लिए आप कार्बन से इसके साथ रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर आप डाइल्यूट HCl4 के साथ भी लीचिंग कर सकते हैं इसकी, निखिल वर्मा ये चैप्टर हट गया है बेटा, सीबीएसई से हटा है अभी, पर आईआईटी से नहीं हटा निखिल बेटा, ये बेटा सीबीएसई से हट गया है शायद, बट अभी आईआईटी से नहीं हटा, तो आयरन की आज नहीं करेंगे, आयरन की कल करेंगे, आज नहीं करेंगे हम लोग आयरन की। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था आज, सिर्फ एल्यूमिनियम एंड कॉपर की करवाई है मैंने आपको, क्योंकि राइट नाउ आपको बता दिया मैंने इतना ही बहुत है आज की क्लास में, कल हम करेंगे आयरन की एक्सट्रैक्शन। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, आप समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस चाहते हैं, तो आप बस मुझे इस लिंक पे क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए इस लिंक पे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल का लिंक है अनअकैडमी का, इस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक में दिक्कत है, आप इसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज कर दीजिए, तो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें और एफर्ट्स करने का मोटिवेशन मिल जाए, हम अगले लेक्चर में आए तो बहुत अच्छा करें आपके लिए। आप एजेंट कोड को यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, अगर आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो आप 10% डिस्काउंट लेने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ KJAN। एंड बेटा अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपसे, और शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइस, बाय बाय।